हेलो फ्रेंड्स, आज हम आटे से बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाने वाले हैं। तो बड़ी थाली में हम एक कटोरी आटा ले लिया है। अब हम आटा में स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा चम्मच दरदरा कुटा हुआ मिर्च पाउडर डाल देंगे, एक चम्मच काली तिल डाल देंगे। अब हम कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। उसके बाद हम दो चम्मच रिफाइंड तेल डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आप काली तिल नहीं डालना चाहते हैं तो सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल डालने के बाद हम इस तरीके से 1.5 मिनट के लिए मिक्स करेंगे। और आपने आधा कटोरी पानी लिया है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें टाइट आटा लगा के तैयार कर लेना है। आधा कटोरी पानी में से थोड़ा सा पानी बच गया है फ्रेंड्स। अब हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हम दो चम्मच डालेंगे रिफाइंड तेल, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ डाल देंगे, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, आधा चम्मच हमने चाट मसाला डाला है और कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 10 सेकंड के बाद हमने दो आलू और मटर बॉईल कर लिए थे तो डाल दिए हैं और इस तरीके से हमने कटोरी से अच्छे से मैश कर लिया है। मसाला बना के हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसी कढ़ाई को साफ करके गैस पे रख देंगे। रिफाइंड तेल हमने कढ़ाई में डाल दिया है। जब तक तेल गर्म हो रहा है, 15 मिनट के बाद हमने आटा को दो भागों में तोड़ लिया है और लोई बना के तैयार कर ली है। तो इस तरीके से हमने नीचे थोड़ा सा तेल लगाया है और लोई को रख लिया है और हमें पतला सा बेल लेना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक बार ज़रूर ट्राई करना है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम नाइफ की सहायता से इस तरीके से काट देंगे। अगर आपके पास पिज्जा कटर है तो आप इस तरीके से आसानी से उससे भी काट के तैयार कर सकते हैं। आलू की हमने छोटी छोटी सी बॉल्स बना ली हैं और कटे हुए भाग पर इस तरीके से रख दी हैं। बॉल्स को हमने इस तरीके से रख दिया है। अब हम साइड से पानी लगा देते हैं ताकि अच्छे से चिपक जाए। तो हमें क्या करना है, साइड के दो कॉर्नर पकड़ना है और इस तरीके से अच्छे से चिपका देना है। जो पतला वाला पोर्शन है हमें इस तरीके से साइड में चिपका देना है। तो समोसे अच्छे से बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे समोसे बना के तैयार कर देंगे और साइड से चिपका देंगे। रिफाइंड तेल गर्म हो गया है तो अब हम सारे समोसे को डाल देंगे और धीमी आंच पर हमें सेंकना है। 2 से 3 मिनट के बाद हमें समोसे को उलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेंक लेना है। अगर हम समोसे को धीमी आंच पर सेकेंगे तो अंदर से खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार। सारे समोसे हमने सेक के तैयार कर लिए हैं। अब हम एक प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व किया है। आप अपने मनपसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आज का नाश्ता आप बच्चों को टिफिन में भी रख सकते हैं और बारिश के मौसम में चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। तो आपको बहुत ही खस्ता लग रहे होंगे। अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल मम्मी विलेज रसोई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।